अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैं आपको सिखा रही हूँ तकिया बनाना। ये हमारी फॉर्म जो निकलती है सूरों में से वो वेस्ट जाती है, तो उसे इस्तेमाल करना। तो देखिए गाइस, ये देखिए मैं छोटा सा तकिया बना के दिखा रही हूँ आपको, पिलो छोटा सा। आप चाहें तो बड़ा भी बना सकती हैं इस फॉर्म से, आप चाहें तो इस फॉर्म से गद्दे भी बना सकती हैं गाइस। अगली वीडियो में मैं आपको गद्दे बना के दिखाऊंगी और गौ तकिया होती है वो भी बना के दिखाऊंगी। तो गाइस इस वीडियो में आपको ऐसा ही सादा सिंपल एक छोटा तकिया बना के दिखा रही हूँ। तो गाइस देखिए, हमें इस तरीके से तकिया बनाना है, यहाँ पर सिलाई देनी है हमें। तो देखिए गाइस, मैं यहाँ पर सिलाई दे के आपको दिखाती हूँ। देखिए गाइस, इस फॉर्म का हम इस्तेमाल करेंगे इस तकिए के लिए। तो गाइस देखिए, मैं सिलाई लगा रही हूँ। गाइस देखिए, ये हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हम इसे सीधा कर लेंगे अच्छे से, अच्छे से हमें इसे सीधा करना है। इसकी नोक निकालनी है, साइड की नोक अच्छे से सीधी कर लेनी है इसकी। ये देखिए गाइस, मैं इसकी साइड में जो कपड़ा वपड़ा निकल रहा है इसे सही कर रही हूँ। ये मैंने सीधा कर लिया। अब हमें इसे इसके किनारे को फोल्ड करना है और इस पर हमें सिलाई चलाना है इस तरीके से। ये देखिए गाइस, मैं किनारे पर सिलाई चला रही हूँ। तो ये सिलाई हमारी चल गई गाइस। देखिए, ये हमारा तकिए का मुंह है और उस पर हमारी सिलाई चल गई। अब मैं यहाँ इस तरीके से यहाँ पर तीन सिलाइयाँ देनी हैं। ये देखिए गाइस, ये हमारी तीनों सिलाई हमने दे दी इस पर यहाँ साइड में। ये देखिए, अभी हमारा तैयार है तकिए का कवर। अब हम गाइस फॉर्म रखेंगे, जो सूटों से निकलती है ये फॉर्म है, वो फॉर्म है, ये वेस्ट जाती है हमारी, फिकड़ जाती है। तो गाइस हम इसे यूज़ करके दिखाएंगे आज, इसे हम यूज़ में लेकर दिखाएंगे। गाइस आप इसका कई तरीके से यूज़ कर सकती हैं, इसके तकिए बना सकती हैं आप, इसके गद्दे बना सकती हैं, इसकी गौ तकिए भी बना सकती हैं आप। तो गाइस देखिए, इस फॉर्म के हम बैग भी बना सकते हैं और इसके हम पंखे भी बना सकते हैं। तो गाइस इस तरीके से हमें अपना तकिया बनाना है कि जो हमारी सिलाइयाँ हैं इसे कटिंग करनी है हमें इतना छोड़कर। ये देखिए गाइस, जैसे मैंने सिलाई जो ली है मैंने इस तरीके से कटिंग में, ऐसे ही आपको करनी है। तो याद रहे गाइस, जो आपके कपड़ों में से सूटों में से फॉर्म निकला उसे वेस्ट ना जाने दें, उसका उपयोग ज़रूर करें। तो देखिए गाइस, अब हमें यहाँ से भी इसी तरीके से कटिंग कर देना है और अब हमें इसे अपने तकिए के अंदर रख देना है। ये देखिए गाइस, हमारी फॉर्म तकिए के अंदर फिट हो चुकी है और अब हमें यहाँ से इस पर सिलाई देनी है। इतनी इतनी सिलाई देनी है गाइस, ध्यान रहे, इतनी इतनी पूरी एक सार। तो गाइस देखिए, हमारा तकिया तैयार है गाइस। इसे आपको कवर उतार के धोने की ज़रूरत भी नहीं है, इसे आप ऐसे ही धुल के डाल सकते हैं, ये ऐसे ही सूख जाएगा। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो गाइस आप देख सकते हैं कितना अच्छा, कितना हल्का तकिया बनाया हमारा। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।